यहाँ पर देखें कि कोई लोग मकान बना रहे हैं, उन्होंने परती डलवाई हुई है सैंड, और सुबह सुबह ठंड है, और ये कुत्ते सारे जो हैं यहाँ पे मौज कर रहे हैं। ये जी पाकिस्तान की सुबह है। हम वॉक के लिए निकले हुए हैं और देखें कि सुबह सवेरे जो परिंद चरिंद हैं ना, इतनी प्यारी आवाज़ में चहचहा रही हैं, अल्लाह ताला की हम्द सना कर रही हैं। ये पीपल का पौधा है, पेड़ है, दरख्त है, और कितना ही एक किस्म का जन्नत है इन परिंदों के लिए। आप भी प्लीज़ दरख्त लगाएं और अपने मुल्क कौम की खिदमत करें, और इन परिंद के लिए घर पैदा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे मैं तो भी ये मैं पानी में जा रही हूँ। ओह माय गॉड, ये देखिए जहाँ पे गाड़ी जा रही है ना, तो इतना दरिया दरिया में पानी जा रही थी, सड़क में पानी है ना, वो टायरों के साथ उछल उछल के बाहर आता है। जिस तरह कभी कभार हमारे यहाँ पानी इकट्ठा होता है, और यहाँ पे लोग देखें पनाह लेके खड़े हुए हैं ब्रिज के नीचे। यहाँ पे कोई मुसाफिर खाना नहीं होता। ये जो ट्रेन का ट्रैक है, ब्रिज ऊपर से जा रही है, ये देखें, और लोग जो हैं इसके नीचे पनाह लेके बैठे हुए हैं, और टावा टावा लोग ही जा रहे हैं इधर, और बाकी सारे जो हैं वो अपने घरों में बैठ गए हैं, क्योंकि वो इतनी बारिश के यूज्ड टू नहीं है। ये पाकिस्तान का मगरब की पंजाब है, रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पे ये हुआ करते थे। और अब ये है कि यहाँ पर घर ही घर हैं, अल्लाह ताला की रहमत है, बेशुमार मखलूक है अल्लाह की, तो जिसकी वजह से सारा कुछ पक्का होने की वजह से पानी को कोई रास्ता नहीं मिलता कि किधर को जाए, और फिर जब वो अपना रास्ता निकालती है तो बहुत सारे लोगों के घर और शहर के शहर फ्लडेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब जो गरीब आवाम है, बेचारे मजदूर लोग हैं, उनको मजदूरी नहीं मिलेगी, रेडियो वालों के पास कोई खरीदारी करने नहीं आएगा, और बहुत सारे लोगों को जो है ना रोजगार पे एक किस्म का लॉकअप लग जाएगा, इस वजह से कि बारिश बहुत हो गई है। और देखिए ये सारी की सारी नहर बनी पड़ी है, कई बार बहुत ज़्यादा दुनिया ने पैसा इकट्ठा किया है डैम बनाने के लिए, पता नहीं वो पैसा डैम के नाम पे किधर जाता है। अगर वो सारे का सारा बनाया जाए, गरीब आवाम को इकट्ठा किया जाए और डैम बनाए जाए, एक ना बनाए जाए, 10-12 बनाए जाए, ताकि जगह जगह पानी का ये बहरान ख़त्म हो, और बिजली को बंदोबस्त हो सके, गरीब आवाम को रोज़गार मिले, फैक्ट्रियाँ चलें, मिलें चलें, तो तब ये मसला हो सकता है। लेकिन किसी ना किसी को तो ये काम करना है ना, हाथ पे हाथ धर के तो किसी कुछ भी नहीं कर सकेगी। ये जिस पे हम जा रहे हैं ना, ये आपको ब्राउन रंग की लग रही है, ये सड़क है, और जिस पे जो मुल्तानी मिट्टी का पानी मिक्स होने की वजह से वो ब्राउन नज़र आ रही है, रिवर की तरह वो चाय के रंग से आ चुकी है, और इस तरह ये रेन वाटर है। आज आपको फ्री का म्यूजिक मिलेगा जो अल्लाह ताला
का म्यूजिक है। जब बारिश के फर्श पे पड़ती है, छत पे पड़ती है या इस स्क्रीन पे पड़ती है तो वो अपनी साउंड बनाती है। अब थोड़ी सी बारिश थम रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिस तरह वो दरिया में या समंदर में लहरें नहीं होती, इसी तरीके से एक लहरें सी बन रही हैं और ऊपर जो लाइटनिंग भी हो रही है, थंडरिंग भी हो रही है। हम गाड़ी में बैठे हुए हमें सुनाई नहीं दे रही, लेकिन ये देखिए यहाँ पे पेट्रोल पंप पे लोग खड़े हो गए हैं क्योंकि इस पानी में चलाना दुश्वार हो रहा है। सभी गाड़ी चल सकती है, मोटर बाइक के लिए, साइकिल के लिए ज़्यादा मुश्किल है। बड़ा सा ट्रक भी रोक लिया गया है और बारिश देखी। मैं थोड़ी देर के लिए बंद भी करती हूँ ना, फिर मेरा दिल करता है कि दोबारा फिर रिकॉर्ड कर लूँ। ये जो चांस है ना, ये कभी कभी ही मिलता है। दरिया ही की तरह वो लहरें बन रही हैं और किसी टाइम में भी होनेस्ट ये दरिया ही था। मेरे ख्याल से दरिया चुनाव था, ये दरिया चुनाव था। ये इंसान को अल्लाह ताला की कुदरत से नहीं खेलना चाहिए, जिस तरह अल्लाह ताला का निज़ाम है चलने देना चाहिए। और बिल्कुल सारी तब्दीलियां जो कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो वो इतनी तब्दीलियां जो हैं वो ज़मीन सह नहीं सकती। लुक आफ्टर द प्लानट, इस ज़मीन का ख्याल रखना चाहिए, इसकी हिफाजत करना चाहिए। ये नहीं कि ये बम ब्लास्ट की तरह वो सारा फट गए और फिर रहे कुछ भी ना, क्योंकि ये गैसों का एक मजमूआ होता है। जब कोई चीज़ भी हद से बढ़ जाती है तो फिर उसमें कोई ऐसा इंतशार आता है, ऐसी कोई ट्रबल आती है कि फिर वो मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ये हाउसिंग स्कीम है जो आपको पीछे नज़र आ रही है, लोगों ने प्लॉट लिए हुए हैं और घर भी बना रही हैं। पुलिस स्टेशन, मेन रोड आ गई है, पानी बहुत ज़्यादा है तो बहुत एहतियात से गुजारनी पड़ रही है। गाड़ी मोटर बाइक भी तकरीबन उनके टायर 6-6 इंच जो है वो पानी में डूब चुके हैं, आप देख सकते हैं। जो साइड की रोड्स होती हैं वो थोड़ी सी नीची होती हैं, डाउन होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है। लोग जो हैं अपने जो दुकानों के फ्रंट में वो टेंट से लगा रहे हैं ताकि उनको कवर किया जा सके, पानी की बछाड़ पानी जो है वो ज़्यादा ना अंदर जाए जाए। और सबसे बड़ के बात ये होती है कि जब लोग प्लान करते हैं ना मकानों के, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, कोई बिजनेस बनाते हैं या कोई सिटी बनाते हैं, तो वो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते कि अगर खुदा ना खास्ता तूफ़ान आए, हवा का रुख हो तो किस तरह उससे निपटा जा सकता है, फ्लड हो तो क्या सूरत हाल होगी, और अगर कोई जलजला वगैरह आए तो उससे क्या नुकसान होंगे, उससे कैसे बचा जा सकता है। जब वो प्रॉपर इंजीनियर इंस्ट्रक्टर होता है ना, वो गाइड कर देता है कि अगर इस तरह आप तारें लगाएं अपनी बिल्डिंग में, पानी के बहाव से तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग नीचे गिर पड़ती हैं, तो वो आपका मकान बच सकता है जलजले से भी, तूफान से भी, और इस तरह ऊपर छत पे भी ज़्यादातर इस तरह बनाया जाए कि ऊपर जो वेट हो कम हो, नीचे जो है वो बेसमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। नीचे जब बनाते हैं तो जल्दी काम शैतान की तरह जल्दी जल्दी बना करते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग बनाते हैं, फिर उसके ऊपर तीसरी बिल्डिंग बनाते हैं, और जब बोझ ज़्यादा ऊपर हो जाता है, नीचे से बुनियादें इतनी मजबूत नहीं होती, तो 20-30 साल के बाद ही बिल्डिंग जो है वो टूट के नीचे गिर पड़ती है। अगर आपने वहाँ पर देखा होगा तो हम हज़ारों साल, कुछ 1,500 साल, कुछ 100 साल, कुछ 200 साल पुरानी बिल्डिंग में जब हम रह रहे हैं तो उनको कुछ भी नहीं होता। वो इसलिए कि बुनियाद ही नहीं सही रखी जाती, बुनियादों पे घपला किया जाता है। तो जब प्रॉपर तरीके से सारा कुछ ये देख सोच के बिल्डिंग भी बनाई जाए, मकान बनाना, घर बनाना कोई आसान नहीं होता, सड़कें भी बनाई जाए तो उसमें हेरा फेरी ना की जाए, तो ये तादेर तक हो जाएंगे, बजट भी हो जाएगा, आवाम का भी नुकसान नहीं होगा और
मुल्क पे भी बोझ नहीं पड़ेगा। तो जब तूफान वगैरह आते हैं, खासकर जलजला आता है, तो नॉर्दर्न एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो गरीब लोग जिनके पास रोज़गार भी नहीं होता, वो घर बेघर हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल हालात होते हैं। और जब कभी यहाँ पे फ्लड आ जाए पंजाब में, तो वो शहबाज जरदारी का बेटा नहीं कहता, जब बारिश होता है तो पानी आता है, जब पानी आता है तो फ्लड आता है। तो वो बेचारा लॉजिक तो बता रहा है आपको कि जो पाकिस्तान का नक्शा है ना, डलवान की तरह है, डाब आता है, कराची नीचा है, इस तरह वो पानी का बहाव उधर से आना और इधर जाना है। तो फिर क्यों नहीं ये लोग जो हैं ये करते कि इस तरह डैम जगह जगह बनाएं, पानी के डैमों के इर्द गिर्द बागात लगाएं और इर्द गिर्द लोगों को बिठाएं जो गरीब अवाम है जिनके पास घर नहीं है, ताकि वो उन दरख्तों की देखभाल भी कर सकें और गवर्नमेंट के बंदे जो हैं वो उस चीज़ को हर एक चेक एंड बैलेंस रखें। तो इस तरह वो पानी भी बच जाएगा, दरख्त भी लग जाएंगे, गरीब अवाम को काम भी मिलेगा और ये जो पानी का नुकसान है इससे भी बचा जा सकेगा। यहाँ पर देखिए कि ये जी ओ डोला लिखा हुआ है, बहुत सारी सेंग ये लिखी होती है जो हमारे मुल्क में ये देखने को नहीं मिलती। पहले नहीं मुझे पता था कि इसका भी ख्याल रखना है ना, तो अब मुझे उन्होंने कहा कि नहीं ये ना आए। बारिश के बाद रिमझिम जारी है, तो थोड़ा सा काम डाउन हो गई है बारिश, लेकिन बारिश जो है अपनी जो छोड़ गई है ये पानी देखें किस तरह से क्लियर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। ये शीशे की वजह से, ये देखें इधर से फ्रंट से बनाए, थोड़ा सा विंडो नीचे कर लेते, कर लो अब आपको क्लियर नजर आएगा। ये दरिया बना हुआ है ना बिल्कुल नीचे पीछे पीछे, और लोग जो है एंजॉय भी कर रहे हैं ये बारिश को। हर बंदा ही यहाँ पे बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है, रोजगार की तलाश में है। क्या कह रहे हो? अब वैसे बारिश तो खत्म हो गई, इतनी तो नहीं आ रही बारिश तो। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं घर आता हूँ। यहाँ तो रुक गई है बारिश, मैं ना बच्ची को छोड़ने बाहर निकल जाएगा, अभी निकल जाएगा, बारिश रुकने वाली है, निकल जाएगा पानी, अब ऐसे ऐसे निकल जाएगा पानी। अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको थंडरिंग की आवाज भी आएगी। चलो अल्लाह खैर करेगा, ज्यादा मसला तो कॉल करना, मैं देखता हूँ कोशिश करता हूँ कराने की, ठीक है। निकल जाए बस, अभी निकल बंद होने वाली है, यहाँ तो बंद हो गई पानी, ठीक है ठीक है। ये सारी हाउसिंग स्कीम है, प्लॉट में जो घर बनने जा रहे हैं, सड़क फर्स्ट क्लास, बड़ी सड़कें हैं, टू वेज है, रोड है, इधर से भी दो गाड़ियां जा सकती हैं, उधर से भी दो गाड़ियां जा सकती हैं, फर्स्ट क्लास सिस्टम है, एयरपोर्ट की भी बहुत ही नज़दीक है, और गर्मी काफ़ी होती है गर्मियों में, लेकिन फर्स्ट क्लास है उन लोगों के लिए जो सर्दी के सताए हुए मारे हुए हैं। इस तरह लोग अपने अपने ज़रूरत के मुताबिक कोठियाँ वगैरह अपने पसंद की बना लेते हैं और अकोमोडेट होते हैं। I'm going to start in English. This is the Pakistan Multan International Airport is just around the corner. And lots of people live here from centuries. I think this is the oldest city of the world. From 4,000 years ago, this will be found
in somewhere and it's called Multan. It's very famous in Multan salt and Multan poetry handcraft and as well as other products, especially Son Halwa. This is a sweet dish people eat. The mangoes of Multan are very, very delicious. These are the areas where all the people live and the work hard. Look, this is the way people do transport in Pakistan. There are petrol pumps, same like us, but the building is just like this. In the front, they make a shop, and the back, they have accommodation for their family. They're taking grass for their animals, and they build a nice, very beautiful house. If you see the design in UK and compared to Pakistan, you will be wonder how beautiful houses they have. Because the labor in UK is very cheap. They are very skilled and talented people, so they can make anything very nice. When they put their heart and soul in and pull their attention into something, they will achieve. So you could see the beautiful surrounding. Today was raining, and the rain was just like a flood everywhere because there is no drainage system. If there is a drainage system being blocked, so people are facing lots of problems. But alhamdulillah, very beautiful day. If you see that car, there is a surface water, so they driving the car slowly. I'm just showing you the side on the road in a car, so you have an idea how Pakistan looks like. Because if you come, you will see myself, or otherwise you can see from my video. I hope you enjoy. If you like my video, please subscribe to my channel DCBB UK and share it with your family and friends, and see you soon with the next interesting vlog. These are youngsters sitting together and having rest because there is no work, and they display their food, artificial food in front. That's a sign there is a food being sold. And you can good see here because car is slow, so it's easy to capture. Now the children having a bath in the rain, and the workshop people are standing here. This is their lorries, it's called a truck, and they decorate it very well. Thank you for watching. बारिश अब फिर ठीक ठाक शुरू हो गई है और हमने फिर कैमरा उठा लिया है. आज सारे का सारा जो वीडियो है बारिश के नाम ही हो जाएगा. आपको भी याद आएगा कि आप कभी इस तरह बारिश में चला करते थे, नहाते थे या क्या करते थे. और हमको भी याद पड़ता है कि हमारे घर तो पक्के थे, लेकिन वो जो प्रणाले से बने होते हैं ना, उसका पानी नीचे गिरा होता था. शावर की तरह हम प्रणाले के नीचे खड़े होकर नहाते थे. हमारी अम्मी मना करती थी कि ये बारिश का जो पानी है काफ़ी गदला है, इससे आपके फोड़े फिंसियाँ निकल आएंगे. लेकिन हम कब बाज आते थे, हम फिर भी करते थे. तो फन होता था बचपन की, वो जो बातें हैं वो याद आती हैं ना. तो यहाँ पर हो गई है और लोग जो हैं वो बारिश का पानी इस तरह बाल्टियों में निकाल निकाल के बाहर फेंक रहे हैं. लेकिन हम शौक के पीछे ये काम करते हैं. अच्छा, कुछ खास रिटर्न नहीं है इसका. चलो भाई, टाइम पास होता है नहीं, टाइम पास करने के लिए काम भी होता है, घर में होता है. शौक के कहते हैं ना, शौक का कोई मूल नहीं. शौक एक्सपेंसिव होता है. ऐसे ही है, ये होते हैं. किसी ने शौक के घोड़े पाल रखे होते हैं, किसी ने ऊंट पाले होते हैं, किसी ने महंगी गाड़ियाँ लेनी होती है शौक के पीछे. किसी को हॉलीडे का शौक होता है, हमको ये गंदा शौक पड़ा हुआ है. लेकिन अगर आप पत्थर पे ना हथौड़ी मारते रहेंगे ना एक दिन पत्थर जरूर टूट जाएगा. टूट जाएगा. हमारी लगातार 2017 की अब तक की मेहनत है. बेशक हमें इतना नहीं मिलता, लेकिन हम उसके पीछे नहीं है. अनाम का जो होता है बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन अनाम अनाम ही होता है. अल्हम्दुलिल्लाह. लोडोगी
ये और मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे जी। ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये खाद फैक्ट्री है, जो लोग अपनी फसलों में कपास में गंदम में खाद डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, आर्टिफिशियल कंपोस्ट होता है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो वो इसमें लोड करेंगे इन ट्रकों में और ट्रक लोड करके मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के शहरों में देहातों में ये भेजे जाएंगे। ये पीछे जो आपको नज़र आ रही है ये खाद की फैक्ट्री है और यहाँ काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है और दुनिया भर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये खाद सप्लाई करते हैं और उनके जो जो खाद होती है यो वहाँ पे डिस्प्ले की हुई है उनका नाम वगैरह। पाक क्या है इसका नाम? ये है पाक अरब फर्टिलाइजर। ओके पाक पाक अरब पाक अरब तो ये पाकिस्तान और सऊदी के इत्तेहाद पे बनाई गई थी। ये मुझे पता नहीं है कि इसमें कौन कौन से केमिकल डालते हैं जो एक बूस्ट देते हैं फसलों को, पता नहीं वो ऑर्गेनिक भी रहती होंगी, खाने के काबिल भी रहती होंगी कि नहीं, लेकिन वो जिन्होंने कहते हैं कि सऊदी अरब की मदद की वजह से ये पाकिस्तान के साथ मिलके ये खाद की फैक्ट्री बनाई गई है इसलिए पाक अरब इसका नाम रखा गया है। तो ये देखें कि ये स्पीड पकड़ती हुई कारें जा रही हैं, पानी इतना तेज़ रफ्तार, पानी ज़्यादा है और वो गाड़ियों की रफ्तार ज़रा तेज़ है, इस तरह लग रहा है कि जैसे दरिया में बोट चल रही हो, दरिया में कश्ती चल रही हो ना, इस तरह का सीन है। अगर हम भी इस तरह तेज़ गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे तो वो अगली गाड़ी की तरह हमारे भी हम भी ऐसे ही पानी बिखेरेंगे। तो कई बार ये होता है कि इंसान एहसास हमदर्दी नहीं करता, जो गरीब लोग साफ कपड़ों के साथ साइड में चल रहे होते हैं तो उनके कपड़े सारे इस पानी से गंदे हो जाते हैं, चिक्कड़ से कीचड़ से या चिक्कड़ से भर जाते हैं। तो ये जी है जब आप बारिश में गाड़ियाँ चलाते हैं उधर भी आप देख लें कि किस तरह जो पानी है वो टायरों के साथ घूम रहा है। तो थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए, जब भी बारिश हो तो गाड़ी के जो टायर वगैरह हैं वो पंचर भी हो सकते हैं, स्लिपरी भी हो सकता है। तो सलूट है जो ड्राइवर थोड़ा सा केयरफुल होते हैं, अपने आप को भी अपनी गाड़ी को भी अपने साथ दूसरे मुसाफिरों को भी सेफ और साउंड रखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दरिया का हालात है, किसी ज़माने में यहाँ पे वाकई ही दरिया बहते थे लेकिन इंसानों ने ये कर दिया कि अपनी कंफर्ट के लिए अपने फ़ायदे के लिए पैसे के पीछे भागते भागते सब चीज़ों को कब्रिस्तान बना के रख दिया और जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे इतने थक हार जाते हैं, उनकी चेहरों की तरफ देखें उनको पकाने के लिए ना तो उनके पास सुई गैस है ना उनके पास लकड़ है, लकड़ थोड़ी बहुत ही होगी तो वो भी गीली होगी और वो भूखे प्यासे बेचारे बैठ के रोज़े रख के बैठ जाते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे बढ़ के उनके पास दिहाड़ी के लिए काम भी नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, इनका बड़े गौर से ख्याल रखना चाहिए कि इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उस साइड में भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो चल रही हैं और इस साइड में भी हैं और हम ये सारा कुछ आपको सही सच सच में दिखा रहे हैं। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स कह रहे हैं कि आप झूठी वीडियो बनाओ, झूठे ऐसे बनाओ वो बनाओ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिले। मैंने कहा कि नहीं, जो मैं बनाती हूँ ना वो मैं बनाती हूँ जो मुझे सही लगता है, झूठ के कोई पैर नहीं होते। आप देखें कि यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है कि गाड़ी का चलना भी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी चल रही है और वो पानी सारा उनकी दुकानों में चला गया है। बहुत सारे लोग तो अपना जो कारोबार है वो बंद करके जा चुके हैं लेकिन ये जो सूरत हाल है ना ये यही है कि जो आप लोग बैठे घर में पाकिस्तान में जगह जगह फ्लड देखते हैं, बुरा हाल देखें, देखें वो बच्चे अपने घर से बाहर स्टेप भी नहीं कर सकते और वो लोग भी बाहर देख रहे हैं कि पानी बाहर सड़क घरों से ऊंची होती है और फिर वो पानी से भर चुकी है और भरने के बाद भी देखें लोगों के दुकानों में घरों में पानी जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। मैं इस बताने में कोई शर्म महसूस नहीं करूंगी कि जो भाई साहब हमें गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं इनके घर में भी पानी दाखिल हो चुका है, इनके भी छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो भी परेशान इसी तरीके से हो रहे हैं जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये पानी जब होता है ना, आग हो पानी हो बिजली हो
ये ऐसा अगर फायदा देता है ना तो ये नुकसान भी देता है। थोड़े थोड़े वक्फे से थोड़े थोड़े ऐसे वक्फे से बारिश फिर शुरू हो रही है और पानी जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। तो अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए, अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए। आज जुमे का दिन है, अगस्त की 16 तारीख है और पाकिस्तान में मुल्तान में मूसलाधार बारिश पड़ रही है और गलियां मोहल्ले जो हैं पानी से भर चुके हैं और गरीब आवाम परेशान हाल हैं। अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं कि या अल्लाह हम पर रहम फरमा, या अल्लाह हम भी तेरे बंदे हैं, हम भी गुनाहगार हैं लेकिन तू रहमान रहीम है, या अल्लाह हम सब पर रहम फरमा। पता नहीं है लेंस क्लियर अभी भी काफी ट्रैफिक है। हमारी हुकूमत तो है ही है। अब यहाँ पर देखें कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं रोड क्रॉस करने के लिए कि जगह जगह पानी खड़ा है, आपको पानी भी नज़र आ रहा होगा और लोग अपने रक्षे लेके किसी ड्राई जगह पे सेफ जगह पे लेके जाएंगे इस उम्मीद के साथ कि कोई मुसाफिर आ जाए और हम आज का पेट्रोल के पैसे वापस आ जाएं। तो ये गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक जैम है, बुरा हाल है यहाँ पे। ये देखें ये सारे का सारा पानी है। तो मेरे कैमरे के जो लेंस हैं वो इतने क्लियर नहीं रहे लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। पता नहीं बारिश है, ऊपर से विंडो है तो क्लियर नहीं है। तो ये जो लोग हैं बारिश में ही चल रहे हैं, ऊपर से बिजली अभी भी चमक रही है, वो क्या कहते हैं कड़क चमक के साथ बिजली है, गरज रही है, गरज रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। आएंगे उधर काफी पानी खड़ा हुआ है, जब गाड़ियां जाती हैं काफी स्प्लैश होता है। आज जाएगा पानी, जैसे बारिश रुकेगी ना पानी निकल जाएगा। जगह मैं चौक कुमार वाले फंसा हूँ, बाजी मेरे साथ है इंग्लैंड वाले, इसमें ना पानी निकल जाएगा 12 बजे तक, तो अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं। हाँ पानी निकल जाए। ओके हो गया, ओके हो गया, लाफे बच्चे मेरे, बेगम परेशान हो रही है, बच्चे स्कूल गए हैं, पानी इतना खड़ा हुआ कैसे लेके आऊंगी मैं। कितने कितने साल के? 5 बच्ची हैं भाजी मेरी। 5 बच्ची जी? 5 बेटियां ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती दे। बेटा नहीं है, बेटियों का साथ है, क्या करें, अल्लाह आपका नाम रोशन करेंगे। क्योंकि हमारे एक मामू हैं, उनकी 5 बेटियां ही बेटियां थी। हाँ, सारे लोग ये कहते थे इनकी बेटियां ही हैं, ये है वो है, यकीन करें। इंग्लिश में हाँ, वो स्कूल टीचर है। हाँ, उससे छोटी जो है उसने अपना स्कूल बनाया है, उसने मास्टर्स किया है। हाँ, इस्लामियात में। उससे छोटी है उसने पता नहीं फिजिक्स में किया है। सबसे छोटी जो डॉक्टर बन रही है, एक जो है वो डॉक्टर बन के कराची चले गई है। छोटे से शहर में जनी वो रहमत होती है, वो चुनता है कि मैंने किसको बेटियां देनी है और कौन इतना इज्जत का लायक है, कितना कौन इतना अच्छा अपनी बेटियों को क्या कहते हैं तालीम और तरबियत दे सकता है, कौन अल्लाह ताला की इस रहमत को जो अल्लाह ताला दे रहा है खुले दिल से एक्सेप्ट करता है। ज़्यादातर तो लोग चेकअप करवाते हैं और जब उनको पता चलता है कि बेटियां हैं तो वो बेटियां रखते ही नहीं है, बेटे होंगे तो। और वो खुशकिस्मत होंगे कि जिनको अल्लाह देगा और वो अल्लाह की रजा में राजी होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके मुकद्दर भी आप मेरी बात लिख के रख लेना, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपके किसी को अल्लाह ताला ने अमीर बनाया है, किसी को बनाया है गरीब जी। तो रोजी अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी को अल्लाह ताला ने मेहनत के लिए बनाया है और किसी को ऐश करने के लिए। अल्लाह दे के भी आजमाता है, अल्लाह ले के भी आजमाता है। तो अल्लाह ताला की जो होती है ना सिस्टम में राजी रहने वाला बंदा कामयाब हो गया। अल्लाह ताला ने दिए बच्चियां दी हैं तो रिज़्क भी तो दिया है ना, अब तक खा के वो सो रही हैं ना, कभी नहीं भूखी सोई, कभी उनके पे ये नहीं हुआ कि कभी उनके जिस्म पे कपड़ा ना हो, या कभी ये नहीं हुआ कि वो इतनी बेचारी हूँ कि अल्लाह ताला माँ बाप को सलामत रखे। इसलिए मतलब यही है कि जो बंदा अल्लाह की रजा में राजी रहे और जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उसका शुक्र अदा करता रहे और दुनिया में भी कामयाब हो गया, आखिरत में भी कामयाब हो गया।
क्योंकि नात पसंदी नहीं है हमारे में, शुक्र गुजारी। आगे पानी बहुत ज्यादा है इसलिए ट्रैफिक जाम है। ये मैं दरिया दिखा रही हूँ ना साथ साथ में, कितना गहरा दरिया है। पहले एक बार मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मुझे ये रिकॉर्डिंग का बटन दबाना याद भूल गया, बोल के बाद में देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। ये शीशा हल्का सा नीचे कर ले फिर साफ आएगी। नहीं फिर ये डर होता है ना कि लोग साथ में से गुजर रहे हैं ना। नहीं नहीं यहाँ कोई मसला नहीं। वो मेरे ख्याल से सब्जी इधर भी बना रहे हैं, देखो ना इधर भी बनेगी मूवी। ये देखें जी, ये है हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, सर सबस पाकिस्तान, शादाब पाकिस्तान। ये लैंड रोवर है, अमीर भी एक ही जगह पे और गरीब भी। आप बस इंजॉय करते जाएं, हम आपको दिखाते जाएंगे। और कमेंट में ये बताना है कि आपके यहाँ भी इस तरह का सिचुएशन होता है। हम जी इधर ट्रैफिक जैम हो चुकी है, इधर आप देख सकते हैं, और इधर हम पानी में फंस चुके हैं। परली साइड में भी इसी तरीके से का पानी है, और इस तरफ भी जो है क्या कहते हैं इसको, वो सड़क है वो दरिया का, नहर का दिखा रही है सीन, और इसमें सारे का सारा जो पानी है वो जमा हो चुका है। और लोग ऐसे आप समझ रहे हैं परेशान हाल हैं, जब महसूस हो रहे हैं जब बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे भी कई लोगों के पास तय खाने हैं, और तय खाने में अगर पानी चला जाए तो फिर पंप के ज़रिए ही निकालना पड़ता है। तो ये हाल है, ये देखिए दरिया की तरह बह रहे हैं। तो अब हमारी जो है क्या कहते हैं इसको, गाड़ी ऐसे चल रही है जैसे किश्ती चल रही होती है। ये देखिए ये जो साइकिल मोटरसाइकिल थे उन्होंने साइड पे लगा दिए। ये हाल है जिस आदमी का, बारिश की वजह से मेरे जो क्या लेंस हैं वो भी इतने क्लियर नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी मुझको नज़र आता है मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये सारा कुछ अलाइव है, हम इसमें कुछ चीज़ एडिट नहीं करेंगे। वो कहते थे ना खालस घी, खालस सब्जी, खालस माहौल, देसी माहौल, हर चीज़ खालस। और हम वही चीज़ अपने इस चैनल में लेके चलते हैं कि जो चीज़ होगा आपको रियली ही नज़र आएगा। आर्टिफिशियल साउंड लगाना, इधर उधर से चीज़ें चोरी करके लगाना, ये मेरी आदत नहीं है, अपना काम करो। अब जी हम आ गए हैं यहाँ पे ये दरिया का